हेलो गाइज, सेविंग फंड चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप आज से SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो हर साल आपको 7 लाख रुपए का जो अमाउंट मिलेगा, यानी हर महीने करीब 53,000 रुपए का अमाउंट मिलेगा। तो सबसे पहले आप यहां पर प्रूफ देख सकते हैं, यह है दोस्तों पोस्ट ऑफिस बैंक FD और LIC स्कीम, और दूसरी ओर है SIP इन्वेस्टमेंट। अब अगर आप दोनों ऑप्शन में हर महीने 10-10 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक साल के अंदर पोस्ट ऑफिस बैंक FD या LIC स्कीम में टोटल आपका इन्वेस्टमेंट होगा 1,20,000 रुपये, जिस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 4,621 रुपये का। जबकि SIP इन्वेस्टमेंट के अंदर सेम इन्वेस्टमेंट और सेम टाइम पीरियड पर रिटर्न कितना मिलेगा, 10,211 रुपये। यानी दोनों में पैसे आपने कितने लगाए, एक साल में 1,20,000 रुपये, लेकिन SIP के अंदर आपको 5,590 रुपये का इंटरेस्ट है वो ज़्यादा मिला। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों पोस्ट ऑफिस बैंक FD या LIC स्कीम के अंदर आपको रिटर्न्स मिलता है सिंपल इंटरेस्ट रेट से, जबकि म्यूचुअल फंड SIP में इन्वेस्टमेंट किए गए पैसों पर रिटर्न्स मिलता है हर साल कंपाउंड होकर। इसलिए यहाँ पर भले ही आप SIP के थ्रू कम पैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन वो कम पैसा भी आपको हर साल कंपाउंड होकर 4 से लेकर 5 गुना ज़्यादा है जो रिटर्न्स बनाकर देगा। तो हर साल 7 लाख रुपये का रिटर्न्स पाने के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, रिटर्न्स कितना मिलेगा, और कितने साल तक SIP करने पर वो SIP आपको 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का जो फंड बनाकर देने वाली है। तो वीडियो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आगे मैं आपको दोस्तों कंप्लीट कैलकुलेशन करके भी दिखाने वाला हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कैलकुलेशन करके बता देता हूँ, उसके बाद एक ज़बरदस्त फॉर्मूला बताऊँगा जिसके जरिए आप मात्र 2 साल में अपना पैसा डबल कर पाएंगे। यानी 10 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 2 साल में 20 लाख रुपये हो जाएगा। तो वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों कैलकुलेशन में दोनों साइड आप देख सकते हैं, यानी अगर आप हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पर मंथली 10,000 का आपको जस्ट एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, बट आप चाहें तो दोस्तों मंथली 1,000, 2,000, 5,000 रुपये भी जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने बजट या इनकम के अकॉर्डिंग। तो एक साइड में दोस्तों बैंक FD, पोस्ट ऑफिस और LIC स्कीम है, जबकि दूसरी ओर है म्यूचुअल फंड SIP। अब यहाँ पर मान लीजिए आप 10,000 रुपये पोस्ट ऑफिस बैंक FD LIC स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं और दूसरी ओर SIP इन्वेस्टमेंट में है जो 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो बैंक FD में दोस्तों मंथली 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करने पर मान लीजिए वहाँ पर रिटर्न आपको 7% का मिलता है, फिर भी हम यहाँ पर है जो 12% का एक्सपेक्ट करते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो एक साल में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 1,20,000 रुपये, जिस पर आपको 8,010 रुपये का जो इंटरेस्ट मिलेगा, यानी टोटल मेच्योरिटी मिलेगी आपको एक साल बाद वो 1,28,010 रुपये की। जबकि SIP इन्वेस्टमेंट में 12% रिटर्न के हिसाब से एक साल के टाइम पीरियड में 1,20,000 इन्वेस्टमेंट होगा, 8,093 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी टोटल मेच्योरिटी 1,28,093 रुपये होगी। तो यहाँ पर दोस्तों एक साल में बैंक FD LIC स्कीम और SIP इन्वेस्टमेंट की जो मेच्योरिटी है वो बराबर बन रही है। लेकिन अब आपको यहाँ पर है जो कंपाउंडिंग का मैजिक दिखेगा, तो दूसरे साल में सेम इन्वेस्टमेंट होगा 1,20,000 रुपये, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट होगा बैंक FD और LIC स्कीम में 2,40,000 रुपये, इस पर आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 16,040 रुपये का। यानी टोटल मेच्योरिटी बनेगी 2 साल में पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक FD से 2,56,020 रुपये। जबकि दोस्तों दूसरी ओर SIP इन्वेस्टमेंट में टोटल आपका इन्वेस्टमेंट होगा 2,40,000 रुपये, लेकिन जो फाइनल मेच्योरिटी बनेगी वो 2,72,432 रुपये। यानी दोस्तों यहाँ पर बैंक FD वगैरह से आपको मेच्योरिटी कितनी मिलेगी 2 साल में, 2,56,020 रुपये, जबकि SIP से 2,72,432 रुपये का जो रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप डिफरेंस देख सकते हैं। तो ये होता है दोस्तों कंपाउंडिंग का पावर। तो अब यहाँ पर दोस्तों हम SIP की वो कैलकुलेशन देख लेते हैं जिसमें हर साल 7 लाख रुपए का जो रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप 10,000 रुपये की मंथली SIP शुरू करते हैं और 15% का जिस पर हम रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, जो कि दोस्तों लॉन्ग टर्म में किसी भी म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर इतना रिटर्न आपको ईजिली मिल जाता है। तो 5 साल के टाइम पीरियड में दोस्तों 10,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट के थ्रू टोटल आपका इन्वेस्टमेंट होगा 6 लाख रुपये, जिसमें रिटर्न्स मिलाकर 8,97,000 का टोटल आपको फंड मिलेगा सिर्फ 5 साल के टाइम पीरियड में। जबकि 10 साल में 12 लाख रुपए आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा, जिसकी फाइनल वैल्यू 27,86,000 रुपये हो जाएगी। वहीं यहाँ पर टाइम पीरियड को बढ़ाकर अगर हम 15 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो इसमें आपका इन्वेस्टमेंट होगा टोटल 18 लाख रुपये, लेकिन 15% रिटर्न के हिसाब से उसकी जो फाइनल वैल्यू बनेगी वो 67,68,000 रुपये की। अब यहाँ पर दोस्तों आप चाहें तो इन पैसों को 15 साल के बाद विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन जो 67 लाख रुपए का 15 साल में आपके पास फंड बना है, इसको अगर आप डबल करना चाहते हैं तो सिर्फ 5 साल और SIP के दोस्तों है जो कंटिन्यू रखना है, यानी 20 साल तक। तो इस टाइम पीरियड के दौरान टोटल आपका इन्वेस्टमेंट होगा 24 लाख रुपए,
जिसकी फाइनल वैल्यू बढ़कर 1,50,00,000 रुपये हो जाएगी सिर्फ 20 साल के अंदर। अब यहाँ पर दोस्तों 20 साल में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 24,00,000 रुपये, लेकिन उस पर 15% रिटर्न के हिसाब से 1,27,00,000 रुपये का जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिल जाएगा, जिसको अगर हम दोस्तों साल में कन्वर्ट कराएं पर ईयर, तो वो बनता आपका करीब 7,00,000 रुपये, और उसको अगर मंथली में कन्वर्ट करते हैं तो वो होता आपका 53,000 रुपये। यानी दोस्तों आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया मंथली, 10,000 रुपये, लेकिन 20 साल के बाद आपको कंपाउंडिंग रिटर्न से 5 से लेकर 5.5 गुना के करीब जो वैल्यू देगा, यानी कि 10,000 रुपये की वैल्यू है वो 20 साल बाद 53,000 रुपये हो जाएगी। अब इसमें दोस्तों 20 साल की इन्फ्लेशन रेट को भी अगर आप एडजस्ट करेंगे तो भी आपको 3 गुना के करीब जो रिटर्न मिल जाएगा इजीली। यहाँ पर दोस्तों जरूरी नहीं है कि आप मंथली 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कराएं, आप अपनी दोस्तों जो इनकम है, बजट है, उसके अकॉर्डिंग मिनिमम मंथली है जो 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 रुपये भी है जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं यहाँ पर अगर आप 5,000 रुपये की मंथली ऐसे भी करते हैं 7 साल तक, तो 7 साल के बाद हर साल यहाँ पर 2,00,000 रुपये का जो आपका रिटर्न बढ़ता जाएगा, यानी 5,000 ऐसे भी से 7 साल में 7,44,000 का फंड बनेगा, 8वें साल में 9,29,000 रुपये का, 9वें साल में 11,44,000 का, 10वें साल में 13,93,000, 11वें साल में 16,92,000, 5वें साल के बाद 7,00,000 से ज्यादा का जो फंड बनेगा। इसके अलावा 8432 का फॉर्मूला वाला वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जिसमें दोस्तों आप 5,000 रुपये मंथली एसआईपी करके हर साल 9,00,000 रुपये का जो फंड बना सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर आप जरूर देखें। दोस्तों किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट पर है जो रिटर्न की कोई भी गारंटी नहीं होती है, बट आप एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट की हेल्प लेकर अगर लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट करते हैं, भले ही आप यहाँ पर कम पैसे इन्वेस्टमेंट करें बट लॉन्ग टर्म तक करते हैं, तो बिल्कुल दोस्तों फ्यूचर में अच्छा खासा है जो आप कैपिटल बना सकते हैं, यानी 1-2 करोड़ रुपए का फंड है वो इजीली बना सकते हैं मंथली सिर्फ 4-5 हज़ार रुपये पे करके। ये वीडियो दोस्तों सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है, मेरा यहाँ पर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। इसके अलावा दोस्तों वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही यहाँ पर दोस्तों इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अगर आप मंथली सिर्फ 500 रुपये पे करके 1 करोड़ रुपये का टर्म इंश्योरेंस, या फिर आप अपने साथ अपने फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, तो दोस्तों policybazaar.com का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिस पर क्लिक करके आप मात्र 500 रुपये मंथली पे करके 1 करोड़ रुपये का जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस या फिर हेल्थ इंश्योरेंस है जो बाय कर सकते हैं। दोस्तों लिंक पर क्लिक करके आप जो मल्टीपल प्लान्स को कंपेयर कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा प्लान है वो बेस्ट रहेगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर चेक करिए। इसके अलावा दोस्तों वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप भेज दीजिए, कमेंट करके बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही यहाँ पर सेविंग, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस के रिगार्डिंग लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।